हेलो स्टूडेंट, चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन बैंक जो हम सॉल्व हो रहे हैं, तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 1 है लीनियर इक्वेशन वो सॉल्व कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी सॉल्व किया है। अब थर्ड चैप्टर हमारा यहाँ पर इस वीडियो में स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर के लिए हम देखते हैं, थर्ड चैप्टर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन पहले आपको बता दूँ किस टाइप के क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्वेश्चन अब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब थर्ड चैप्टर जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हम देखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। इसमें क्या है, पहले एमसीक्यूज है कुछ, वो एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा। तो देखिए एमसीक्यू में क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं पहले हम। यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देन एमसीक्यू। एमसीक्यू सिंपल होते हैं, एमसीक्यू को डायरेक्ट डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी 2, 4, 6, 8 द कॉमन डिफरेंट डी इज, ये एपी है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलते हैं, t2 - t1, दैट मीन 4 - 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा। सिंपल हमारा यहाँ पर जो है ये ठीक हो गया। नेक्स्ट, वट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सिक्वेंस 0 - 2। अब t2 - t1 को -4 - 0 इज इक्वल टू -4 ही होगा। कॉमन डिफरेंस हम जब निकालते हैं तो हम t2 - t1 लेते हैं, तो t2 यानी -4 - 0 t1 जो था, तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके ऊपर क्या आया, और नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ओके, फॉर एन ए पी 5, 12, 19, 26, what is the A? A is the 5. My first term, a set of number where the number are arranged in a definite order, like natural number is called sequence. अगर कोई number एक definite order में रखा हुआ है, definite order में अगर है, arrange है, तो उसको हम sequence बोलेंगे, ये याद रखिए। First four term of an AP are whose first term is -2 and the common difference is 2. अब देखिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास है -2 और कॉमन डिफरेंस, जब सेकंड टर्म हमको फाइंड आउट करना है तो कॉमन डिफरेंस में ऐड करेंगे, तो प्लस एंड यहां पर आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस -2, तो -2 एंड प्लस माइनस 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 यहां पर आपको जाएगा -4। तो फर्स्ट टर्म अगर -2 है तो सेकंड टर्म -4 आएगी। देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहाँ नहीं है, मतलब ये दो ऑप्शन तो अभी स्किप हो गया हमारे पास। अब ये दो बचे, इन दोनों में से हमको कौन सा लेना है, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कीजिए, इसमें प्लस माइनस टू कीजिए जो कॉमन डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, तो यहाँ पर -6 आएगा, दैट मीन्स ये हमारे पास ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसमें हमको -2 ऐड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 and 6 - 6, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 1, 4, 7, 10, 13, नेक्स्ट टू टर्म ऑफ ए पी आर, देखिए 1, 4, 4, 7, 10, 13, 13 के बाद 16 आना चाहिए, 16 के बाद 19 आना चाहिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप डिफरेंस देखते हैं, टू टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं, तो आपको मिल जाएगा कि 3-3 का डिफरेंस यहाँ पर हमको मिल रहा है, दैट मीन 13 के बाद 16, 16 के बाद 19। फाइंड डी ऑफ एन ए पी हूज फर्स्ट टर्म आर -3 and -4। अब फर्स्ट टर्म, पहले टू टर्म्स दिए गए -3 - -4, अब इसके बाद का जो टर्म आएगा वो कौन से, सॉरी डी फाइंड आउट करना है, सॉरी डी फाइंड आउट करना है, सिंपल है, t2 - t1, दैट मीन्स -4 - -3, ये t2 था, ये t1 था, दैट मीन्स -4 + 3, तो -1 इज, वेयर इज द ऑप्शन -1, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टू टर्म -3 - -4, d2 - t1, -, +, -1, वेयर इज द ऑप्शन -1। फाइंड डी ऑफ एन एपी हूज फर्स्ट टू टर्म आर -3 and -4, t2 - t1 निकालेंगे हम, यहाँ पर हमको ये मिलेगा -1, इसमें ऑप्शन में है ही नहीं है। चलिए अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, जिसने क्वेश्चन बैंक निकाला उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है,
इफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी 13, दैट मीन्स हमारे पास है टी टी थ्री, दैट मीन्स हमारे पास है टी थ्री, ये 13 है, एंड टी फाइव ये 25 है, ये 25 है, हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है सेवन्थ टर्म, क्या फाइंड आउट करेंगे हम, सेवन्थ टर्म, ये मैं इसको इधर कर दूँ, हाँ सेवन्थ टर्म हमको जो फाइंड आउट करना है, सेवन्थ टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो टी थ्री जो हमारे पास है, अब देखिए दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करना है, तो मैं थोड़ा सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर नीचे सॉल्व करता हूँ, टी थ्री जो बना हमारे पास आएगा वो आएगा ए प्लस टू डी, अगर आप फार्मूला लेंगे, और टी थ्री हमारे पास गिवन है 13, तो इसकी प्लेस पे आप 13 रख दीजिए, इक्वेशन एक बनेगी। दूसरी इक्वेशन टी फाइव लेंगे तो फाइव है तो 4d आएगा, तो a प्लस 4d आएगा, और टी फाइव हमारे पास 25, ये दो इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये स्किप हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस 12 हो जाएगा, ये माइनस 2d बचेगा, तो हमको मिलेगा माइनस माइनस काट दीजिए टेस्ट में, डी बराबर 6 मिलेगा, डी बराबर कितना मिलेगा 6, अब डी बराबर 6 हमारे पास आ गया, डी इक्वल टू 6, अब डी 6 आया दैट मीन्स ए हमको फाइंड आउट नहीं है, तो ए हम इसमें से फाइंड आउट करके रख सकते हैं, किसी में रख के फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद टी 7 हमको मालूम करेंगे सेवन्थ टर्म कौन सा होगा, ठीक है, तो टी 5 हमारे पास है, डी आ गया है, ठीक है, तो आप एक तरीका और भी है, सबसे पहले टी 6 मालूम कीजिए, तो आपको मिलेगा टी 5 प्लस डी, ठीक है, टी 5 प्लस डी दैट मीन्स टी 5 क्या है 25 प्लस 6 31 आ जाएगा, उसके बाद टी 7 अगर आप मालूम करेंगे तो टी 6 प्लस डी होता है, तो टी 6 हमारे पास है 31 एंड प्लस डी हमारे पास 6 आया, मतलब दैट मीन्स 37, तो आंसर हमारे पास आएगा 37, डी हमको चाहिए, अगर आप डी फाइंड आउट कर लेते हो तो इजीली आप नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास टी 5 तक है, टी 6 आप मालूम करेंगे, फिर टी 7 के लिए टी 6 प्लस डी लेंगे, टी 6 की वैल्यू रखेंगे, डी 36 37 हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब ये रफ किए थे हमने, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये रफ में करना है सब आपको, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ओके, फाइंड टी थ्री, टी थ्री 1 2 3 कितना है 21 है, हो गया आंसर, अरे T1, T2, T3 21 है, हो गया आंसर, सिंपल। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो रहा है, और एक और है, इन एन ए पी 0 -4 -8 -12 फाइंड T2 -4, खत्म हो गया मामला, ही खत्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, सॉल्व द फॉलोइंग सब सब क्वेश्चन, डिसाइड वेदर गिवन सीक्वेंस इज 2 4 6 इट इज एन ए पी, तो कैसे डिसाइड करेंगे, वन मार्क्स का क्वेश्चन है, वन मार्क्स में आपको दो स्टेप लिखना है या तीन स्टेप से ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं रहती है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, ये हमको डिसाइड करना है ये सीक्वेंस क्या है, ए पी है या नहीं, राइट। तो देखिए यहाँ से कर रहा हूँ मैं, इसको मैं पहले ना इधर ले लेता हूँ ताकि सॉल्व करने में ईजी हो जाए हमारे पास, सब उठा के हम इधर ले लेंगे ना, तो बेस्ट काम हो जाएगा हमारा, इसको मैंने कॉपी किया, तो देखिए जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लेकर आ गए, अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस 2 4 6 इज एन एपी। चलिए एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर गौर से देखिए, एक एक मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन है, नंबर एक हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो नंबर एक हम यहाँ से पेन ले लूँ, हाँ नंबर वन यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, तो पहले हमारे पास 4 2 4 6 8 2 4 6 6 8 डिसाइड करना है ये ए पी है या नहीं, तो ए पी के लिए हम क्या करते हैं, टी 2 - T1 इज इक्वल टू डी, तो टी 2 यानी 4 - 2 इज इक्वल टू डी, दैट मीन 2 इज इक्वल टू डी, सिमिलरली टी 3 - T2 इज इक्वल टू डी,
दैट मीन्स सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू डी, दैट मीन्स डी बराबर टू। सिमिलरली टी फोर माइनस टी थ्री इज इक्वल टू डी, सो एट माइनस सिक्स इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू टू। सो कॉमन डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ सिक्वेंस, difference of sequence is common, therefore sequence R in AP। हो गया आंसर, एक मार्क्स आपको इस तरह मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या है हमारे पास, पहले इसको ऊपर करता हूं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फार्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP, तो यही लिख देते हैं। चलिए इसका आंसर SN इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हो गया फार्मूला। दूसरा फार्मूला भी लिखना है आपको, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टी वन प्लस टी एन। ये दोनों फार्मूला लिखेंगे तो आपको हाफ हाफ मार्क्स मिलेगी। फाइंड टी एन इफ ए इज इक्वल टू ट्वेंटी डी इज इक्वल टू थ्री, तो टी एन फाइंड आउट करेंगे। तो टी एन फाइंड आउट यहाँ करेंगे हम, हमारे पास है ए इज इक्वल टू ट्वेंटी डी इज इक्वल टू थ्री। A इज इक्वल टू ट्वेंटी डी इज इक्वल टू थ्री, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है देख लेते हैं हम। हमको फाइंड आउट करना है टी फाइव सॉरी टी एन, टी एन फाइंड आउट करना है। तो टी एन का फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड टी एन फाइंड आउट करना है ए की प्लेस पे ट्वेंटी रखिए, एन ऐसे ही रहेगा एंड थ्री एज इट इज रखिए। सो यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 20 एज इट इज रहेगा 3n माइनस 3 वन जो 3, सो 20 माइनस 3 दैट मीन 27 प्लस 3n, तो tn की जो वैल्यू आ गई 27 प्लस 3n, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारे पास, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ टी फाइव ए इज इक्वल टू थ्री एंड डी इज इक्वल टू माइनस थ्री। टी फाइव फाइंड आउट करना है, सेम जैसे हमने ये किया है सेम टू सेम है, आपको यहाँ पर सिर्फ फाइव रखना है और इसमें फाइव रखना आपका इजी हो जाएगा। तो फोर फिफ्थ देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है हमारे पास, डी वन है ए थ्री डी माइनस थ्री, ए थ्री डी माइनस थ्री, तो ए इज इक्वल टू थ्री डी इज इक्वल टू माइनस थ्री। सेम फार्मूला लेंगे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी फाइव हमको फाइंड आउट करना है, ए हमारे पास थ्री है, ब्रैकेट में रखेंगे फाइव माइनस वन डी माइनस थ्री है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, टी फाइव फाइंड आउट करना है, थ्री प्लस फाइव माइनस फोर थ्री, फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा और ये माइनस थ्री हो जाएगा, दैट मीन्स थ्री प्लस फोर थ्री ज ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस माइनस, सो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9, तो टी फाइव इज इक्वल टू माइनस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टी एन इज इक्वल टू टू एन फाइव इन सिक्वेंस फाइंड इज फर्स्ट टू टर्म। ये जो हमारे पास सिक्वेंस दिख गया टी एन इज इक्वल टू नंबर 6 है, ये 6 7 जो भी है इज इक्वल टू टू एन माइनस 5, टू एन माइनस 5 ये गिवन है, और इसके बाद हमको जो फाइंड आउट करने बोला है फाइंड इट्स फर्स्ट टू टर्म। तो फर्स्ट टू टर्म दैट मीन सबसे पहले हम टी वन फाइंड आउट करेंगे, तो टू इंटू वन माइनस फाइव, तो टी वन इज इक्वल टू टू माइनस फाइव दैट मीन्स टी वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये पहला टर्म हो गया। सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे टी एन इज इक्वल टू टू एन माइनस फाइव, तो टी टू इज इक्वल टू टू इंटू टू माइनस फाइव दैट मीन्स टी टू इज इक्वल टू फोर माइनस फाइव, सो टी टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो फर्स्ट टू टर्म इज टी थ्री माइनस थ्री माइनस वन, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ सिक्वेंस, तो टी वन रख के आप इसको फाइंड आउट कीजिए, बहुत ईजी आप कर लेंगे। फाइंड टू टर्म्स ऑफ सिक्वेंस टी वन टी टू आप रख के फाइंड आउट कीजिए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ, तो नाइन्थ वन जो है कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास जो ए पी है 0.9, 0.6 एंड 0.3,
तो डी इज इक्वल टू डी में डेट मीन्स कॉमन डिफरेंस टी टू माइनस टी वन, टी टू हमारे पास है 0.6 माइनस 0.9, तो माइनस 0.3 जो हमारे पास ही हो जाएगा डी हो जाएगा। सिंपल है, 9 माइनस 3 0.3 लिख दीजिए, 9 बड़ा बिगर था इसलिए यहाँ पर हमने बड़े की साइन लगा दी। ओके, फाइंड डी इफ टी 9 23 एंड ए इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है और हमारे पास है टी 9 23 और ए इज इक्वल टू 7। तो टी 9 ये हमारे पास है 23, 9th क्वेश्चन जो भी है, और डी इज इक्वल टू हमारे पास है 7 और हमको फाइंड आउट करना है डी क्या है भाई, ए डी फाइंड आउट करना है, ए इज इक्वल टू 7। चलिए टी 9 है तो टी 9 का फार्मूला लेंगे हम, तो टी एन का फार्मूला हो जाएगा टी 9 डायरेक्ट लिखता हूँ ए प्लस 9 माइनस 1 डी, ए 7 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं है उसको रखेंगे ऐसे ही, तो हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस 8 डी, ये टी 9 की वैल्यू हमारे पास 23 उसको रख देंगे यहाँ पर। अब ये 7 इधर आएगा तो हो जाएगा 23 माइनस 7 इज इक्वल टू 18, तो यहाँ पर बचेगा आपको 23 माइनस 7 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 80, 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू डी, 8 टू द 16 दैट मीन डी इज इक्वल टू 2। ये सारे क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है। क्वेश्चन नंबर अब जो एक्टिविटी है उस पर हम जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की एक्टिविटी हमारी कौन सी है, तो देखेंगे हम यहाँ पर एक्टिविटी। चलिए एक्टिविटी देखते हैं कि इसमें एक्टिविटी कौन सी है। देखिए एक्टिविटी आपके सामने है, ये एक्टिविटी है थोड़ा सा, हाँ इसको मैंने बिगड़ कर दिया। चलिए कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो SN इज इक्वल टू यूज फार्मूला सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP, तो SN का फार्मूला यहाँ पर आपको लिखना है, वो फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 2A 2A प्लस N माइनस 1 B, ये फार्मूला आपको यहाँ पर लिखना है तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है N, अब N कितने है ये नंबर ऑफ टर्म्स, उसने बोला है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1000 हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर के बॉक्स में आप लिखेंगे 1000 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 1 प्लस 1000 तो 1001 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1001 इंटू 500, सिंपल आप 5 1 5 लिखिए, 500 लिखिए, 500 लिखिए, 5 1 5 लिखिए, हो गया लिख लिए। अब ये तो दो जीरो है आगे लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया, सिंपल आप इसको कर सकते हो। देयर फॉर द सम फर्स्ट 1000 इंटीजर, यहाँ पर जो आपका आंसर आया ये फिलअप कर देना है, हो गया। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 9 माइनस 940, इसमें से दैट मीन्स 50 जो है फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म 40 है, 30 20 है, तो 940 का नंबर कितना होगा, दैट मीन्स एन हमको फाइंड आउट करना है, और एन फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी कंप्लीट करना है। ये एक्टिविटी हमारे पास हियर ए इज इक्वल टू, तो ए देखेंगे आप तो 50 है, यहाँ हम 50 लिखेंगे, ए की प्लेस पे हमको 50 लिखना है, भाई हटा, ए की प्लेस पे हमको 50 लिखना है, और 50 लिखने के बाद टी, तो अगला 40 है, तो 40 माइनस 50 दैट मीन्स माइनस टेन और टी एन हमारे पास 940 है, एक यहाँ एक मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब टी एन का फार्मूला भी दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमको रखना है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो हमारे इस बॉक्स में आएगा 50 प्लस एन, नहीं हमारे पास वही फाइंड आउट करना है, माइनस 1 और डी है हमारे पास उसको लिख लेंगे माइनस 10,
राइट। माइनस टेन कैसे आया देखो यहाँ पर, 40 माइनस 50, टी टू माइनस टी वन, तो आपको डी मिल जाएगा माइनस टेन, राइट। चलिए अब एन इसको सॉल्व कर लेना है पूरा, सॉल्व करने के बाद एन की वैल्यू हमको यहाँ पर लेना है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ इधर, तो आप देख लीजिए इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ऊपर करता हूँ 50, इधर हमारे पास माइनस 940 है, उसको पहले लिखता हूँ माइनस 940, ये 50 को इधर लेकर आ जाइए तो माइनस 50 हो जाएगा इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ बचेगा 10 को इससे मल्टीप्लाई किए 9 से तो माइनस 10 एन, 1 से मल्टी एन से मल्टीप्लाई किए 10 को, और 10 वन जा 10 यानी 10 एक 10 तो नफी नफी जमा एक, यहाँ पर आपके पास आएगा जमा एक। अब ये नफी नफी जमा होता है तो ये हो जाएगा 990 बराबर, ये एक को भी इधर लेकर आ जाइए, ये एक किधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 और इधर बचेगा माइनस 10, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस 991 इज इक्वल टू माइनस 10 एन, राइट। और माइनस माइनस कर दीजिए तो आपका यहाँ पर आ जाएगा इसको इधर लिखा जाता है और 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा कुछ ना कुछ, तो इसमें सवाल में गड़बड़ है, 50 है इधर, ए 50 है रख दी हमने, एन नहीं है रखेंगे डी, माइनस 10 बराबर है 940 माइनस में है ये सब लिखा है माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कुछ तो गड़बड़ सवाल में कुछ तो मिसिंग है, ये ऐसा आप पॉइंट पे आंसर नहीं आएगा, नंबर आए पॉइंट में कभी नहीं आ सकते, वो तो एक नेचुरल नंबर में आंसर आएगा। ये 10 को इधर लाएंगे तो 990 गलत है मुझे नहीं लग रही, अच्छा हाँ ये तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो जाएगा, मैं देखो मैंने गलत किया था, ये 10 और इधर अगर हम ये 10 को इधर लाते हैं तो हमारे पास जो मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा माइनस 10 और इसमें से निकाल देंगे तो हमको मिलेगा माइनस 980 और यहाँ पर माइनस 10 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस कट कर दीजिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 98, तो हमारा आंसर 98, यहाँ 1 नहीं था 10 था, मैं मिस्टेक कर रहा था, चलो ठीक है। आगे देखते हम लोग, फॉर एन ए पी इफ टी वन इज इक्वल टू 1 एंड टी एन इज इक्वल टू 149 फाइंड एस एन, तो ये टी वन वन टी एन 149 एस एन, एस एन का फार्मूला लिखा है तो टी एस एन का फार्मूला आपको मालूम है यहाँ पर होता है टी वन प्लस टी एन, टी वन प्लस टी एन आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पर तो टी वन हमारे पास है 1 और प्लस 149 यहाँ आ जाएगा, ये आप देखो यहाँ पर क्या ये एन यहाँ कहाँ से आया भाई, एस एन फाइंड आउट करना है हमको, ये हो जाएगा 150 एन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम क्योंकि एन तो हमारे पास नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा एन इंटू 150 अपॉन 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 75, ये आंसर आएगा 75 एन, आंसर आया 75 एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर गिवन ए पी 9 4 माइनस 1 माइनस 6 नाउ पहला फर्स्ट टर्म है टी जो है ये कॉमन डिफरेंस दैट मीन टी टू माइनस टी वन दैट मीन 4 माइनस 9 यू विल गेट माइनस 5 तो डी इज इक्वल टू माइनस 5 डी इज इक्वल टू माइनस 5 टी एन ए प्लस एन माइनस 1 नहीं फार्मूला लिखा हुआ है एयर की वैल्यू रखी हुई है एन की है 1 की है डी इज इक्वल टू माइनस 5 राइट ईयर माइनस 5 अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम और सॉल्व करके यहाँ पर 9 एज इट इज है दैट मीन्स ये 19 माइनस 1 तो 18 हो जाएगा एंड 18 इंटू मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 तो आपको मिलेगा 19 माइनस 90
राइट, क्योंकि ये माइनस है, डी हमारे पास माइनस है, फोर माइनस फोर माइनस नाइन तो हमारे पास माइनस फाइव आएगा, तो ये 90 है प्लस माइनस 90, यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा 90 में से आप 9 निकाल दीजिए तो आपको मिलेगा 81, आंसर हमारा आया 81। कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है, गिवन एपी जो है हमारे पास यहाँ पर सिंपल है, पी टू माइनस टी वन दैट मीन 14 माइनस 7, तो इस बॉक्स में आएगा 14 माइनस 7, तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पर 7 आ गया, देखिए 7 लिया है, टी फोर दैट मीन्स टी फोर अगर हम लेते टी फोर यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 28 यहाँ पर लिख दो, यहाँ हो गया टी फोर माइनस टी थ्री डेट मीन्स 28 माइनस 21 तो आपको मिलेगा 7, यहाँ भी 7 मिलेगा आपको, कॉमन डिफरेंस 7 आ गया, सिंपल है, यहाँ भी 7 आया, यहाँ भी 7 आया, 7 हो गया। तो ये एक्टिविटी के क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका बी जो है उसमें 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, तो हम देखने के लिए तो ये क्वेश्चन नंबर बी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी, उसमें जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी और नॉट, सिंपल आप बता सकते हैं ये एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप यहाँ लिखिए टी वन इज इक्वल टू डी है, टी टू इज इक्वल टू फाइव है, एंड टी थ्री इज इक्वल टू 7 है, राइट। अब डिसाइड करना है ये एपी है या नहीं, क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे टी टू माइनस टी वन, तो यू विल गेट 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, सिमिलरली टी थ्री माइनस टी टू, तो यू विल गेट 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, सिमिलरली टी फोर माइनस टी थ्री, तो यू विल गेट 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, इक्वल है, जो डिफरेंस है इक्वल है, तो जस्ट कॉमन द डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस इज कॉमन, द डिफरेंस ऑफ इज कॉमन, देयरफॉर सीक्वेंस आर इन एन एपी, हो गया आंसर, सिंपल आंसर एक दो के लिए, फाइंड फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एपी हूज फर्स्ट टर्म इज 3, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 3, एंड कॉमन डिफरेंस दैट मीन डी इज इक्वल टू 4, ये गिवन है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, फर्स्ट फोर टर्म, तो यहाँ पर पहला टर्म आ गया, सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप लिखेंगे टी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस डी, तो यू विल गेट टी वन डेट मीन्स 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो टी टू आ गया, टी थ्री फाइंड आउट करने के लिए आप लिखेंगे टी टू प्लस डी डेट मीन्स 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, ये हो गया 1 2 3, हमको कितने 4 फाइंड आउट करना है, तो 1 2 3 हो गया, ये लास्ट है हमारे पास, तो टी थ्री प्लस डी इज इक्वल टू 11 प्लस 4, तो 15, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज क्या क्या है, 3 7 11 एंड 15, ये हमारा आंसर है, सिंपल। क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है 1 6 11 16, फाइंड द 18th टर्म, तो ए इसमें से क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, हमारे पास जो गिवन है वो है ए इज इक्वल टू, यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 1 है, डी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, दैट मीन्स यू विल गेट 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो वी हैव टू फाइंड आउट 18th टर्म, दैट मीन्स टी 18 फाइंड आउट करना है, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी,
ए प्लस एन माइनस वन टी, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे टी 18, ए हमारे पास 1 है, 18 माइनस 1 डी हमारे पास 5 है, तो इज इक्वल टू 1 प्लस 18 माइनस 1 दैट मीन 17 इंटू 5, तो यू विल गेट टी 18 इज इक्वल टू 1 प्लस 85, 17 5 85, सो 86, तो टी 18 जो हो जाएगा वो 86 हो जाएगा। ये सिंपल हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आ गया, राइट। नेक्स्ट पे चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि इन एन ए पी ए इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 3, एस 12 फाइंड आउट करना है, तो एस का फॉर्मूला लेंगे हम, एस 12 दैट मीन्स हमारे पास एस 12 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, हम लेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, फार्मूला लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1d, एस 12 दैट मीन्स 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, प्लस 12 एन हमारे पास है माइनस 1 और d हमारे पास है 3, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ 2 6 जा 12, दैट मीन्स यू विल गेट एस 12 इज इक्वल टू 6 इंटू ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 3 जा 33, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एस 12 इज इक्वल टू 6 एज इट इज रखिए, और ये 37 आ जाएगा, 37 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 जा 42 और 6 3 जा 18 और 4 हमारे पास जाएगा 22, तो 222 हमारे पास एस 12 आ गया, राइट। ये 7 को आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है क्या, यस क्वेश्चन हो गया हमारे पास 5th क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ सीक्वेंस tn इज इक्वल टू n प्लस 2, tn इज इक्वल टू फर्स्ट फोर टर्म, तो t1 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो गया, t2 लेंगे तो वही फार्मूला लेंगे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, t3 लेंगे वही फार्मूला लेंगे तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, t4 लेंगे तो वही फार्मूला लेंगे 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो आएगा 3 4 5 एंड 6, क्या आंसर हो। नेक्स्ट, इन एन ए पी ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू माइनस 3, फाइंड इज फर्स्ट फोर टर्म, ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू माइनस 3, फर्स्ट फोर टर्म, तो सबसे पहले t1 फाइंड आउट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर t1 इज इक्वल टू 10 हमारे पास गिवन है, पहला टर्म हो गया, t2 फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे t1 प्लस डी, दैट मीन्स 10 प्लस माइनस 3, डी की वैल्यू है 10 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, t3 फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे t2 प्लस डी, t2 हमारे पास आया 7 प्लस माइनस 3 जो डी की वैल्यू है 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, t4 मालूम करेंगे यहाँ पर लिखेंगे t3 प्लस डी, 4 हमारे पास t3 की वैल्यू आ गई प्लस डी की वैल्यू माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 4 टर्म जो हमारे पास आएगा, 4 टर्म वो आएगा, पहला टर्म 10 है,